आइए मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। टिकटॉक के कम रेटिंग के कारण किसे बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ सवाल हमारे और आपके सोशल मीडिया ऐप पर चल रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो अभी तक बैन नहीं हुए हैं। अगर बैन करना ही होता तो इसे कब का कर दिया होता। सो अब हम बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपके बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, इसके कारण इसका जो रेटिंग है कम हो गया। जो यूट्यूब के चाहने वाले हैं वो इनको अनइंस्टॉल कर दिए, क्योंकि यूट्यूब इनका पापा है, पापा के समान 5 बिलियन डाउनलोड और टिकटॉक का 1.5 बिलियन डाउनलोड और इसका यूजर जो है 800 मिलियन। सो यहाँ पर सीधी तौर पर बात हो रही है कि इसका जो रेटिंग है आमतौर पर यही वजह हो सकती है, अनइंस्टॉल करना और कम रेटिंग करना वगैरह वगैरह, या फिर अनइंस्टॉल करना यह मुख्य कारण है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण और क्या हो सकती है। ये भी कारण हो सकता है जो अभी कोरोना काल है, और कोरोना काल का मुख्य कारण चीन है, और चीन का जो ये प्रोडक्ट है टिकटॉक है, टिकटॉक इंडिया में बैन होना चाहिए ऐसा हमारे देशभक्त लोग और हमारे आपके जैसे लोग कह रहे हैं। तो इनका कारण भी हो सकता है ताकि वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं कम रेटिंग के साथ। और अब बात करते हैं इसके कोर्ट के बारे में। इसका जो हाई कोर्ट है अपने यहाँ का, उन्होंने कहा है कि आगे आदेश तक हम इसे आगे आदेश आने वाले हैं, इसे बैन करना है या फिर क्या करना है आगे बात करेंगे। पर हम बात करते हैं कि क्या सच में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। तो इन्होंने वादा किया था टिकटॉक से हम कोरोना काल में मदद के लिए इसे 100 मिलियन डॉलर देंगे, अबे जब 100 करोड़ के ऐसा कुछ। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो शायद ये बैन होने से बच जाए। और भी एक कारण है, पिछले बार भी इसी तरह हो हल्ला मचा हुआ था और इसे बैन कर दिया गया, फिर कुछ शर्तों के साथ इसे फिर से चालू कर दिया गया और ये अभी तक चालू था और ये चल रहा था काफ़ी मजे में। पर कुत्ते का लोमड़ी कभी सीधा नहीं होता, किसी ने फिर से टेर कर ली और फिर ये कांड हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका और भी साइट्स पर, और भी प्लेटफॉर्म पर इसका जो रेटिंग है कम हो चुका है, क्या वहाँ पर भी बैन हो जाएगा या होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप कोई भी जो भी आपका मोबाइल है उसमें भी आपका एक स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, उसमें भी अगर आप इसे बैन करना चाहते हैं तो बैन कर सकते हो इसको कम रेटिंग के साथ अनइंस्टॉल करके, या फिर आप जिस भी तरह से इसे करना चाह रहे हो कर दो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा या फिर आपको किसी के प्रति विरोधाभास का कंटेंट नहीं चाहिए या फिर अश्लील कंटेंट से आप बचना चाहते हैं तो इसे कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल रखिए, या फिर अपना कुछ नया शर्त लाएंगे वगैरह और फिर से चालू कर सकते हैं पिछले बार की तरह। आपको याद होना चाहिए कि पिछले बार भी ये बैन हो चुका था। एप्पल के ऐप स्टोर पर भी 4.8 के साथ अभी रेटिंग के साथ जिंदाबाद है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ठोक दीजिए। जय हिंद।